वेल गाइस, तो फाइनली अब से कुछ मिनटों के अंदर WWE के रेसलमेनिया पे पर व्यू का मेन इवेंट शुरू होने वाला है। और आज यहां पर रेसलमेनिया 40 नाइट 2 के ऊपर द ट्राइबल चीफ रोमन रेंग्स, उनका टाइटल उनके पुराने चैलेंजर और रॉयल रंबल 2024 विनर अमेरिकन नाइटमेयर कोडी के खिलाफ डिफेंड करेंगे। और गाइस, लास्ट नाइट रेसलमेनिया नाइट 1 के ऊपर रोमन रेंग्स और कोडी रोड्स के हुए टैग मैच के अंदर रोमन रेंग्स और रॉक के कोडी के बुरी तरह से बीट डाउन करने के बाद अब आज यहां पर इस मैच के अंदर ब्लड लाइन के पास एक बहुत ही बड़ी एडवांटेज होने वाली है, क्योंकि गाइस लास्ट नाइट रॉक के मैच को जीत जाने के बाद आज कोडी और रोमन के वर्ल्ड टाइटल मैच के अंदर ब्लड लाइन यहां पर उनके रूल को इंप्लीमेंट करेगी। और क्योंकि ब्लड लाइन यहां पर उनका रूल ला रही है, तो इसीलिए आज इस मैच के अंदर रोमन रेंस उनकी पूरी मनमानी करेंगे। और डेफिनेटली यहां पर रोमन रेंस के इस मैच के अंदर हमें यहां पर ब्लड लाइन के बाकी दो मेंबर जिमी उसो और सोलो सकोवा मैच के अंदर 100% इंटरफेयर करते हुए दिखाई देंगे। और देखना दिलचस्प होने वाला है कि जिमी उसो और सोलो सकोवा के अलावा क्या यहां पर रेसलमेनिया 40 के ऊपर आज यहां पर WWE के अंदर द रॉक यहां पर मैच के अंदर इंटरफेयर करते हैं या नहीं। वेल गाइस, एक बात तो पक्की है, कोडी यहां पर मैच को जीते या हारे, कोडी की आज यहां पर जमकर पिटाई होने वाली है। और डेफिनेटली रेसलमेनिया के ऊपर आज यहां पर ब्लड लाइन सुपर हील रोल प्ले करेगी। वेल बात करें अगर यहां पर इन दोनों के इस मैच के विनर की, तो वैसे तो कोडी रोड्स इस समय इस मैच के अंदर विनर को लेकर काफी ज्यादा अंडररेटेड चल रहे गए। बट गाइस, यहां पर जिस तरीके से लास्ट नाइट रेसलमेनिया के ऊपर कोडी रोड्स रोमन रेंस से हारे, उसके बाद शायद आज यहां पर रेसलमेनिया नाइट 2 के ऊपर कोडी यहां पर ट्राइबल चीफ को बीट करे। बट गाइस, फिलहाल मुझे यहां पर नहीं लगता है कि ब्लड लाइन रूल मैच के अंदर कोडी यहां पर रोमन को बीट कर पाएंगे। वाला आपको क्या लगता है, कोडी रोमन को बीट कर पाएंगे या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे।